नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का टॉप 10 की बड़ी खबरों में स्वागत करती हूँ। आओ एक नजर मारते हैं टॉप 10 की खबरों पर। अगले महीने 17 से 19 सितंबर तक संघ के होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी न्योता भेजने की खबरें हैं। इन खबरों के बीच अब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा कि आरएसएस एक जहर है, ये सब जानते हैं। अगर आप जानते हैं कि सामने जहर है तो फिर उसको चखकर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहर को चखने का नतीजा सभी जानते हैं। बंगाल की खाड़ी से सटे मुल्कों को सहयोग संगठन बिम्सटेक के शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए पीएम मोदी 30 और 31 अगस्त को काठमांडू में हैं। कूटनीतिक कार्यक्रम पूरा करने के बाद पीएम मोदी पशुपतिनाथ धर्मशाला का 31 अगस्त की शाम उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे। लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। सूत्रों का कहना है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर किसी दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज विशेष सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि अदालत ने थोड़ी राहत देते हुए खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी। लालू को कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाएगा, उसके ठीक बाद उन्हें रांची स्थित रिम्स अस्पताल भेजा जाएगा, जहां वे डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने देश के सबसे बड़े कोर्ट से अपील की है कि वो इस सुनवाई को टाल दें। अनुच्छेद 35A अपने जन्म से विवादों में ही रहा है और अब इसे हटाने की मांग ने फिर और जोर पकड़ लिया है। ऐसे में देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मामलों की सुनवाई पर हैं। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच आज मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। इस दौरान तलाशी अभियान का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठी चार्ज भी करना पड़ा। राफेल सौदे के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला किया। राहुल ने एक ट्वीट करके जेटली को 24 घंटे में उसका जवाब देने का चैलेंज दिया था, जिसके बाद गुरुवार को राहुल गांधी ने अरुण जेटली को याद दिलाया है कि उन्होंने सवाल का जवाब देने में 6 घंटे से भी कम समय बचाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वह राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार पर जल्द फैसला करे। गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात के दौरान कुमारस्वामी ने उन्हें गठबंधन सरकार के 100 दिनों के काम के बारे में भी जानकारी दी। बॉर्डर और सैन्य लेवल पर भारत की चिंताएं बढ़ाने वाला चीन अब पानी के जरिए देश को मुश्किल में ला सकता है। चीन ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उनके देश में काफी बारिश हो रही है, इसलिए वह जल्द ही ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ सकता है। चीन के इस अलर्ट के बाद केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को भी सचेत कर दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने मछुआरों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उनसे मछली पकड़ने के ठेके के लाइसेंस को निलंबित करने के लिए आदेश को चुनौती दी गई है। तो ये थी देश की 10 बड़ी टॉप 10 खबरें। इसके साथ ही मुझे दें आज्ञा, धन्यवाद।